विंटर में जिंक की वैल्यू, 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से आप बचें और उसका इलाज अपने घर में करें, इस टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज इस पे डिटेल में बात करेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी पीएचडी इन नेचुरोपैथी, विटामिन एंड सप्लीमेंट, बैच फ्लावर रेमेडी और चाइनीज़ मेडिसिन पर मैंने पीएचडी किया हुआ है। इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स पे पीएचडी कर रही हूँ। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन और वीडियो का इंट्रोडक्शन, और डिटेल में बात करूँगी क्योंकि जिंक के बारे में कभी मैंने बात बहुत थोड़ी सी की है, लेकिन लाइव चैट पे बात की है। तो लाइव चैट के अलावा मैं आज जिंक के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट है जो, उससे जिंक के बारे में बात कर रही हूँ जो आप घर में ले सकते हैं। अंत में मैं आपको सप्लीमेंट्स और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिक आपको विंटर में क्या इंपॉर्टेंट है जो जिंक में आपको लेनी ही चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी में जिंक बेसिकली आपको ब्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है, एज रिवाइंड के लिए यूज़ किया जाता है, जवान दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो मेल हैं जो एक्सरसाइज करते हैं जिम में, एक्सरसाइज फीमेल के लिए भी बोलूँगी, टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप उस फील्ड में जाकर बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अगर मसल्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंक का एक्टिवेशन आपके बॉडी में बहुत अच्छी रहे। लेकिन अगर फीमेल टेस्टोस्टेरोन को अगर फोकस नहीं करती है, तो ब्यूटी के लिए भी अच्छा होता है, इन्हांसमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, और किसी दूसरे सप्लीमेंट को प्रोवोक करने के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी इंसोमिनिया और डीप स्लीप के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज इस टोटल चीज़ों पे मैं बात करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली जिंक आपको क्या क्या मज़ेदार फीलिंग दिखाने वाला है। एक्चुअली जिंक ट्रेस मिनरल है, तो आपके लाइफ में उसकी ज़रूरत तो है, लेकिन बेसिक ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप उसको इग्नोर करते हैं। जिंक के सप्लीमेंट जो चीज़ होती है वो एक्स्ट्रा, मैं सप्लीमेंट लेने के लिए भी कई बार अपने पेशेंट को कहती हूँ, लेकिन अगर आप नेचुरल चीज़ों से जिंक को ले तो ज़्यादा अच्छा है। सर्दी के दिन में जिंक की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जिंक एक गर्म चीज़ है, आपके बॉडी को गर्म करता है। तो अगर आप ठंड में, तो आपके बॉडी में अगर पेन है तो भी उस समय आप इंसोमिनिया का अगर बहुत शिकार है उस टाइम पे, अगर ठंड के दिन में आपने एक देखा है जहाँ भी सर्दी का दिन होता है या हिल स्टेशन, आप चाहे जितना भी रुचि रखिए, शाम के टाइम एक मनहूसियत सी फीलिंग आती है, जिंक डिप्लीट करने लग जाता है आपके बॉडी को गर्म रखने के लिए, ठीक है। और जिंक का काम होता है आपके शरीर को गर्म रखना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके पैंक्रिया को सही रखता है, लीवर को सही रहता है, किडनी के लिए सही होता है, आपके होल सेल बॉडी और स्किन के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता ही है। जिंक रिच जो कुछ भी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उसको खाने या लगाने से आपकी ब्यूटी बढ़ती है, ये तो आपको बेसिक पता होगा, क्योंकि बेसन में बहुत जिंक पाई जाती है और उपटन में बेसिकली जिंक का यूज़ बहुत ज़्यादा, मतलब बेसन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इनडायरेक्टली जिंक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। मैं भी प्रोवोक्ड जिंक को ही यूज़ करती हूँ, जो डाइजेस्टिव जिंक है अगर आप ले रहे हैं, तो मेरा जो प्रोडक्ट है इम्यून बूस्टर, उसमें जिंक को बहुत फोकस किया गया है, वन ड्रॉप मैजिक में जिंक को बहुत फोकस किया गया है, और वन मैजिकल टी में जिंक को बहुत फोकस किया गया है। तो विंटर में उसका इन्हांसमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आता है, आपके स्वेलिंग, कंसील, बॉडी का ग्लो, रंग का साफ रहना, इन सब का। अभी मैं कुछ दिन बाद फेयरनेस टी लेकर आ रही हूँ, उसमें जिंक का बहुत प्रमुख स्टेटस रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं घर की चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप जिंक के लिए जो वेजिटेरियन जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊँगी। वेजिटेरियन ऑप्शन में बेसन ले लो या काला चना, ये जिंक बेसिक बहुत हाईली एक्टिवेट होता है उसमें जिंक, जिसको आप लेंगे सर्दी के दिन में तो आपको फ़ायदा होगा। तो काले चने का छोला बना के खा सकते हैं, बॉईल करके खा सकते हैं, जिससे कि आपको जिंक का बहुत अच्छा मात्रा मिल जाएगा। इसके अलावा टूफू एक जिंक का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बट सोयाबीन नगेट्स नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सोयाबीन नगेट्स नहीं खाना, टूफू एक रिफाइंड फॉर्म होता है सोया का, तो उसमें आपको जिंक बहुत अच्छी मिलती है। वेजिटेरियन के लिए बता रही हूँ, दही में जिंक बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा, आपके बॉडी में अगर जिंक बहुत अच्छे से रहेगा तो B12 की प्रॉब्लम नहीं आती, B12 आप मैनेज करके ले जाएंगे, क्योंकि सर्दी के दिन में B12 डिप्लीट करेगी आपकी D3 डिप्लीट करेगी। तो B12 और D3 के बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया, तो डॉक्टर शालिनी B12 और D3 लिखेंगे तो काफ़ी सारी वीडियो आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे जरूर बताइए कि सर्दी के दिन में क्या इंप्रूवमेंट उससे चाहिए, तो नीचे जरूर लिखिएगा आप। इसके अलावा जिंक जो चीज़ में पाई जाती है वो काली मसूर में पाई जाती है, जो आप धुली मसूर भी खा सकते हैं, लेकिन काली खाएंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मसूर दाल में जो काली मसूर होती है उसके छिलके के ऊपर भी जिंक होता है,
जैसे अगर धुली खाते, धुली दाल आप खा रहे हैं तो ठीक है, दाल चावल जैसे खा रहे हैं ठीक है। काली मसूर पे मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, लेकिन अभी और अगर होगा तो बनाऊंगी। इसीलिए काली मसूर को भिगो कर पीस कर लगाने से आपको रंग साफ होता है, उसको इनटेक भी करने से शरीर आपको सॉलिड बनाता है, और जिंक आपको हाई लेवल पर डाइजेस्टिव जिंक होता है। देखो जिंक आप बहुत सारा नहीं ले सकते, इसलिए ट्रेस मिनरल में आता है, पर जो आप फूड एलिमेंट से लेते हैं ना, वो हमेशा डाइजेस्टिव फॉर्म होता है। तो काली मसूर का तड़का लगा के खा सकते हैं, जैसे छोले बनाते हैं ना वैसे खा सकते हैं। इसके अलावा मशरूम में जिंक बहुत होता है, सिटाकी मशरूम में जिंक बहुत होता है। तो सिटाकी मशरूम आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा, उसमें जिंक बहुत अच्छी पाई जाती है। मशरूम, सारे तरह के मशरूम में जिंक होता है, पर सिटाकी में बहुत ज़्यादा होता है, और फंगस जो चीज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा जिंक पाई जाती है। जैसे स्पायरोलिना के अंदर जिंक बहुत होता है, ठीक है। इसके अलावा स्पिनच में, क्योंकि ग्रीन है, लेकिन पालक खाते समय, देखिए सर्दी का दिन आ रहा है, मैं हर समय बताती हूँ चीज़, पालक का साग के बारे में पहले भी बताया था मैंने बचपन में, देखा कि पालक को बॉईल करके उसका पानी होता था, वो हमें मम्मी लोग पीने के लिए दे देती थी, जो कि सबसे डेंजरस होता है। पालक को बॉईल, आप पालक गर्म पानी बॉईल कीजिए, गैस बंद कीजिए, उसमें पालक डालिए, और उसके बाद वो पालक को निकाल लीजिए, उसको ठंडे पानी से धोइए, वो सिकुड़ कर थोड़ा सा हो जाएगा। काट के सब्जी बनानी है कि पीस कर बनानी है वो, या सैलड बनाना है उसका, किसी भी हालत में आपको गर्म पानी में 5 मिनट बॉइल्ड एकदम बॉइल्ड वाटर में 5 मिनट छोड़ना ही होगा, तभी पालक से आपको उस तरह के गैस नहीं बनेंगे जिसकी वजह से आपको स्टोन हो जाए, या इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम हो जाए, या एसिडिटी हो जाए, या वो रिएक्ट करे। पालक को कभी भी डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, पालक का जो पहला वाटर निकलता है वो डेंजरस होता है, जो बचपन में हमें पिला दिया जाता था ये कह के कि पालक साग का जूस है, तो वो गलती मत कीजिएगा। लेकिन पालक आप फ्रीली खा सकते हैं, अगर इस प्रोसेस के बाद आप खाएं तो फ्रीली खा सकते हैं, क्योंकि सर्दी का दिन आ गया है और सर्दी के दिन में पालक एक अच्छा ऑप्शन होता है खाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप मेथी का साग खा सकते हैं। मेथी का साग में ये प्रोसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं कि आपको उसको धोना है कि क्या, ठंडा पानी से तो धोएंगे ही, मतलब गर्म बॉइल्ड उसको करना है, ऐसा कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेथी वाले में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेथी में आपको बहुत मिलेगा। तो आप मेथी का जो जैसे रायता बना सकते हैं, क्योंकि दही, दही में भी कौन से दही में आपको मिलेगा ये बता देती हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होगा उसमें जिंक की मात्रा कम होगी, जो आप लोग घर में जमाते हैं तो ऊपर की जब मलाई छाटेंगे, नीचे जो तरल आता है ना, लिक्विड ही नहीं पेस्टी, जिसको ग्रीक योगर्ट बोलते हैं ना, उसमें जिंक बहुत हाई होती है, ठीक है। जिसको श्रीखंड या क्या बोलते हैं, श्रीखंडी तो बोलते हैं, हंग कर्ड जो होता है ना, हंग कर्ड में जिसको छान करके आप, लेकिन इसमें फैट की मात्रा कम रहेगी तो जिंक की मात्रा ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो आप बचपन से जो जो चीज़ सुनते ना एप्लीकेशन, वही इनटेक आपको सर्दी का दिन का बता रहे हैं। सर्दी के दिन में वैसे मैं दही का नया वीडियो बनाने वाली हूँ आपके लिए, कि जितना लिक्विड दही उतना ज़्यादा तुमको नुकसान, ठीक है। तो आप जितना हंग कर्ड खाएंगे, ठंड में अगर आपको कर्ड खाना है तो हंग कर्ड खाइए, और अगर तरल खाना है तो सीधा कढ़ी पे जाइए। तो डॉक्टर शालिनी बेसन लिखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा कि कढ़ी कैसे क्या, उसका मैंने बताया था कि उस दही को किस फॉर्म में लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। कढ़ी खाने से सर्दी के दिन में आपको बहुत फ़ायदा होगा, पकौड़े डालें ना डालें कढ़ी खाइए, क्योंकि बेसन में भी जिंक है और दही में भी जिंक है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को गर्म रखता है। कढ़ी सुनने में आता है कि जैसे कि आपको सिट्रिक एलर्जी के लिए मैं बताती हूँ, दही में प्रॉब्लम है, लेकिन दही जब बॉयल होती है, उबलती है, लैक्टोबैसिलस है उसके अंदर, लेकिन वो बैक्टीरियाज मरते नहीं गर्म से, दही के बैक्टीरिया मरते ही नहीं। आप कढ़ी को छोड़ दीजिए, कढ़ी खट्टा होता जाएगा दही की वजह से, वो बैक्टीरिया एक्सपैंड करते जाते हैं, ठीक है। तो वो जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो कढ़ी को खट्टा बना करके रखते हैं, जो कि आपके इंटेस्टाइन प्रोबायोटिक के लिए अच्छा है, बट जिंक को एक्टिवेट करने में भी लैक्टोबैसिलस बहुत काम करता है, और दही के अंदर ऑलरेडी जिंक होता है, ठीक है। तो कढ़ी जब आप खाते हैं तो आप खांसी सर्दी से बचते हैं। अगर आपके बच्चे को बहुत सूखी खांसी हो गई है तो गर्म गर्म कढ़ी पिलाएंगे तो वो कफ ढीला हो जाएगा, ठीक है। तब दिमाग में ये मत रखिएगा कि इसके अंदर दही है तो खाएगा तो बढ़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये मैं बार बार कहती हूँ, ठीक है। लेकिन नींबू का प्रयोग ना करें उसमें, आमचूर का प्रयोग ना करें, और कढ़ी गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। दही ठंडी नुकसान करती है और दही गर्म आपको फ़ायदा करती है, ये मैं बार बार बात करती हूँ।
मशरूम आप तभी खाएं जब आपको मशरूम हजम होता हो। जैसे कि अगर सर्दी के दिन में आप मशरूम खाएंगे, जैसे मशरूम आज के डेट में बारह मास मिलती है, ठीक है, तो सर्दी के दिन में ताज़ा मशरूम, सूखा हुआ नहीं, सूखा हुआ मशरूम आपको पूरे साल फ़ायदा करेगा। लेकिन जो सीज़न होता है विंटर का, तो जैसे मुंबई है, मुंबई में आप लोग लिखे जो महाराष्ट्र में गर्म जगह पर रहते, साउथ इंडिया में रहते हो जहाँ पर सर्दी पड़ती है, गुजरात का कुछ एरिया जहाँ पर गर्मी ही रहती है, क्या आपको मशरूम सूट करता है? उसके अंदर इतना हाई जिंक होता है आपको ब्लोट कर देगा, आपका वजन बढ़ा देगा, आपको ब्लोट कर देगा, आपको बेचैनी दे देगा। जो ताज़ा बटन मशरूम मार्केट में वाइट वाली आती है वो ठंड के लिए प्रोग्रामड होती है, ठीक है। वो आप अगर सिटाकी खा रहे हैं या फिर कोई ड्राई मशरूम खरीद के उसको गर्म बॉईल करके आप पका के खा रहे हैं, वो आपको सूट करता है, क्योंकि वो टी फॉर्म अपने आप में आपके लिए बहुत एक्टिवेशन लेकर आता है और हर चीज़ कंसील होकर के, जिस जो मैं कह रही हूँ चाइनीज़ मेडिसिन में मैंने पीएचडी किया हुआ, वो ड्राइड फॉर्म के मशरूम का बहुत बेनिफिट है। बट अगर आप ताज़ा मशरूम खा रहे हैं तो उसके लिए ठंडी जगह का होना ज़रूरी है। चाहे आप इनोकी खाएं या सिटाकी खाएं या किसी भी तरह का मशरूम उठाते हैं आप मार्केट से, ठीक है, वो मशरूम आप चाहे ऑयस्टर मशरूम खाएं या फिर बटन मशरूम खाएं, कोई भी मशरूम खाएं, उसका ठंड का होना ज़रूरी है। टेम्परेचर हमेशा 16 से नीचे होनी चाहिए। एसी की बात नहीं कर रही हूँ कि आप एसी में बैठ के मशरूम खा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, मशरूम से थोड़ा सा बी ब्लड ग्रुप को एलर्जी होती है, तो आप नीचे लिखो कि बी ब्लड ग्रुप क्या आपको मशरूम से एलर्जी है, क्योंकि आपके स्टेटमेंट्स ही काउंट होते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ उसमें क्या सच्चाई है। मैं आपको कुछ भी बताऊँ, आप नीचे लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। ए बी को भी मशरूम से प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर वो ए बी में बी डोमिनेटिंग, प्लस माइनस दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, ए बी या बी या ओ या ए, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ठीक है, तो ए बी को प्रॉब्लम होती है। जब वो बी डोमिनेटिंग ए बी होता है तो उनको मशरूम से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर बी डोमिनेटिंग ए बी नहीं है तब भी मशरूम से प्रॉब्लम होती है, लेकिन एलर्जी नहीं है मशरूम की। आप अगर गर्म जगह में खाएंगे या कहीं भी खाएंगे तो आप ब्लोट करते हो उससे, ठीक है, एलर्जी नहीं है, आपका वजन बढ़ता है उससे, ठीक है, और कुछ नहीं, क्योंकि जिंक गर्म होती है, ठीक है, वो बता रही हूँ। ड्राई फ्रूट में जाना चाहते हैं तो जिंक में अगर आपको जाना है तो पम्पकिन सीड पे जाइए या फिर वाटरमेलन सीड सबसे अच्छा होता है जाने के लिए, ठीक है। वाटरमेलन सीड में जिंक अगर आपको लेना है तो एक तरीका और भी होता है कि उसको भिगा के उसका शरबत बना के लें, अगर आपका पेट ऑलरेडी गर्म है, ठीक है, जहाँ पर गर्म प्रदेश है, जैसे मुंबई हो गया या फिर आपका साउथ का इलाका होता है, बेंगलोर के साइड है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेदर नहीं होता और आपको इसलिए तो ठंडाई में डाली जाती है वो, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आपको अगर ऐसे खाना है तो सर्दी के दिन में भी वाटरमेलन सीड आप लड्डू में डालते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं, वो जिंक एक्टिवेटेड चीज़ है। देसी घी में जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और बी ट्वेल्व की मात्रा पाई जाती है। तो जिंक और बी ट्वेल्व का अगर कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो दही, पनीर और देसी घी होती है जिसमें ये दोनों चीज़ें पाई जाती है, लेकिन पनीर में आपको जिंक उतना नहीं मिलेगा, ठीक है, जितना कि आपको कच्चा दूध में मिलता है। तो कच्चा दूध तो आप पी नहीं सकते, इसलिए इनटेक वाली जो चीज़ बता रही हूँ उसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप किस किस तरह की सीड ले सकते हैं। उसके अलावा आप ले सकते हैं जितने भी तरह के फली होते हैं, फली वाले दाने जो होते हैं वो ले सकते हैं, ये नहीं कि लोबिया सब्जी जाकर आप खाएंगे। जैसे जितने भी ब्रॉड बीन के सीड्स आते हैं ना, जो कि मिलता है, जिसको आप लोबिया बोलते हैं या फिर बीन्स बोलते हैं, राजमा भी दो तरह की आती है, एक किडनी बीन होती है, एक लाल रंग की राजमा मरून कलर की होती है। तो जो मरून कलर की होती है उसमें आपको खून की मात्रा बहुत अच्छी बढ़ती है और जिंक होता है। और जो मुड़ी हुई राजमा होती है उसका भी मैं वीडियो, आप बताइएगा कि राजमा का भी वीडियो आपको चाहिए, क्योंकि राजमा भी दो तरीके की होती है, एक धब्बेदार होती है और एक लाल वाली होती है, लेकिन गैस दोनों से बनता है क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और गैस का संभावना रहता है, लेकिन सर्दी के दिन के लिए वो बहुत सही चीज़ होती है, ठीक है। तो एक तो जिंक के लिए मैं ये भी रिकमेंड करूँगी, कैप्सूल में आप स्पाइरुलिना को अगर प्रेफर करें तो बहुत अच्छा, पाउडर के फॉर्म में अगर शेक में मिला के पीते तो ज़्यादा दिन चलता नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी स्मेल टाइप की होती है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब आती हूँ मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। मेरे प्रोडक्ट में वन ड्रॉप मैजिक में जिंक बहुत हाईली एक्टिवेट है, ठीक है, वो सर्दी गर्मी दोनों के हिसाब से, कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब के हिसाब से बनाई हुई है। तो अगर आपको सर्दी के दिन में मेरे प्रोडक्ट लेने, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला मैम ठंडे के दिन में लाइट या वन ड्रॉप मैजिक ले सकते हैं, नहीं, आप प्योर सैंडलवुड नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन सैंडलवुड लाइट और वन ड्रॉप मैजिक ले सकते हैं, ठीक है। तो वन ड्रॉप मैजिक है वो फुल ऑफ जिंक है
और लाइट वाला है उसमें जिंक की मात्रा उतनी नहीं है जितना कि वन ड्रॉप मैजिक में। इसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट है मेरा मैजिकल टी, उसमें जिंक की मात्रा बहुत अच्छी है। तो जो जिम गोइंग लोग हैं उनके लिए तीन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, वन ड्रॉप मैजिक, मैजिकल टी और इम्यून बूस्टर। ये तीन प्रोडक्ट अगर आप जिम जा रहे हैं तो भी ले सकते हैं। आप अगर ठंडी जगह पर जैसे कि दिल्ली में ठंड पड़ती है, पंजाब के साइड, हरियाणा के साइड, तो उसके लिए सर्दी के दिन में जो मेरा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं वो ये है, वन ड्रॉप मैजिक दिन में तीन बार लेनी होती है, ठीक है। शाम के 4 बजे का फाइनल डोज होता है, दोपहर में एक होता है और एक 11 बजे के बाद, ठीक है। पेट अगर आपका गर्म रहता है तो सुबह एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हैं वो गर्म पानी के साथ, या फिर उसको आलमंड ऑयल में एक ड्रॉप डाल करके एक टीस्पून में पी लीजिए, उसके बाद कोई भी चाय आप पी लीजिए तो वो आपको बहुत फ़ायदा करती है। मैजिकल टी दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, उससे इंटरनली आपको रंग साफ भी होता है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, मसल्स क्रैम्प नहीं आते, नींद अच्छी आती है, जिसमें इंसोमिनिया में जिंक बहुत आपको सपोर्ट करता है। मैजिक जो बूस्टर है वो आपके मसल्स को बिल्डअप करने में और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, आपके किडनी को स्ट्रॉन्ग करने में, लीवर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है। जब मैंने ये डिटॉक्स टी और मैजिक बूस्टर का वीडियो बनाया था तब भी मैंने आपको ये बताई थी कि लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज हाई ऑफ जिंक कॉन्सेंट्रेशन जो है उनके अंदर जिंक का बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे ये जो तीन प्रोडक्ट हैं वो जिंक से रिलेटेड हैं। आने वाले समय में हम अभी अप्लाई करके रखे हुए, अगर जिम सप्लीमेंट मार्केट में ला पाए तो आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। वैसे आपको अगर जिंक की बहुत जरूरत है और कैप्सूल्स पे जाना चाहते हैं तो 30 mg से ऊपर मत लीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, और सोने से पहले लीजिएगा ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैप्सूल्स में। लेकिन अपना रेटिंग आप देख लीजिए, लोगों के कमेंट पढ़ लीजिए और आपको रिव्यू जैसा दिखे उस हिसाब से आप मार्केट से जिंक के कैप्सूल्स अमेज़ॉन से या ऑनलाइन शॉपिंग जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। तो होप कि आपको मेरी बताई हुई जिंक की, और ये आपके जो मैं कह रही हूँ बार बार कि 100 से भी ऊपर बीमारियों को ये कम्प्लीटली दूर करता है, ये इसलिए है कि अगर तुम्हारा मसल्स सही रहेगा, लीवर सही रहेगा, किडनी सही रहेगा तो ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, लीवर सही रहेगा तो आपको काफ़ी सारी एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत लोग कीटो डाइट करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस समय लीवर का सही रहना बहुत ज़रूरी है। जिंक जो है एक चीज़ और है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो मीट में बहुत पाई जाती है, मीट में और रेड मीट में बहुत ज़्यादा जिंक पाई जाती है, एग्स में पाई जाती है, तो अगर आप उसको इंटेक करते हैं, जो प्रेफर करता है, अगर आप हो सकता है मटन खाने वाले, मीट खाने वाले कम लोग हो लेकिन अंडा ज़्यादा खाते हो, तो अंडे का डोज मैं बता दूं, अंडे सर्दी के साथ खाने से कोई मोटा नहीं होता, इनफैक्ट आप खूबसूरती से पतले होते हैं, ठीक है, इस पर मैंने कई बार बात की है। अगर सिर्फ अंडे पे वीडियो चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर लिखना, क्योंकि अंडा खाने वाले बहुत लोग हैं तो ज़रूर लिखना। लेकिन बी ब्लड ग्रुप, आप अंडा नहीं खाते हैं या अंडा से आपको एलर्जी होती है, ये बेसिक है कि आपको प्रॉब्लम होती है, आप नीचे ज़रूर लिखिएगा ये बात, ठीक है। आप अपना रिव्यू देते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि इंगेज हैं, ठीक है। मटन खाने वाले आप नीचे लिखो कि मटन के बारे में आपको जानना है कि उससे क्या प्रॉफिट होता है, तो बिल्कुल अब बेजान जानवर है, उसको मार दिया, इस चीज़ पे उसको फॉलो ना करें तो बेहतर है। जो वेजिटेरियन है वो झंडा बहुत गाड़ते हैं, ठीक है, अगर वो नॉन वेज खाते तो ये झंडा नहीं रहता, ठीक है। यूट्यूब पर हज़ारों चैनल हैं जो नॉन वेज रेसिपी देती है, लाखों व्यू होता है, तो खाने वाले बहुत होते हैं तभी होता है, ठीक है। तो जो बेनिफिट्स है उसको अगर हम क्लियर कर ले तो जो नॉन वेज खाते हैं उनको पता होगा कि उनको नॉन वेज एग्जैक्टली खाना कैसे चाहिए, जिस बारे में मैं कुछ वेजिटेरियन की वजह से कभी भी बात ही नहीं करती हूँ नॉन वेज की, जबकि मैं खुद हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ। मुझे लोग बोलते हैं कि यू आर नेचुरोपैथ तो आप नॉन वेज नहीं खाइए, तो नेचुरोपैथ है तो केले का पत्ता तो नहीं पहन सकते ना। नेचुरोपैथी इज अ सब्जेक्ट इन विच आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इट डजेंट मीन कि आई एम टेकिंग ओथ और आई टुक ओथ कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। हम बचपन से खाते हैं, हम हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन पर्सनैलिटी, सो दैट आई नो कि नॉनवेज में क्या फ़ायदा होता है। बट लास्ट सिंस 8 ईयर्स मेरे को एक फियर है कि नॉनवेज के बारे में बात नहीं करना, बट मैं यूट्यूब पर देखती हूँ कि बहुत सारे चैनल हैं जिसपे तरह तरह की डिलीशियस रेसिपी बताई जाती है और उसको लाखों लोग देखते हैं, 20-25 लाख व्यू होता है, तो वो बंदे कहाँ जाएंगे जो नॉनवेज खाते हैं तो उसका बेनिफिट कैसे पता चलेगा। सो दैट जिंक एक नॉनवेज में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मीट में होता है, मीट के अंदर होता है या अंडे के अंदर जिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अमीनो एसिड फिश में पाई जाती है, ठीक है, चिकन में कोई, हर चीज़ें थोड़ी मिनिमल फॉर्म में होती है,
ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने बता दिया। तो अगर जिंक में जाना है तो सर्दी के दिन में आपको मटन में जाना होगा, ठीक है, और जिंक उसमें मटन लीवर में बहुत पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी, नॉनवेज का सप्लीमेंट में 30 mg, ठीक है, और मेरे प्रोडक्ट में इम्यून बूस्टर, मैजिकल टी और वन ड्रॉप मैजिक। तो ये सारा क्लियर हो गया, होप मेरा जो इस जिंक के पीछे का रिसर्च है और उसके पीछे का साइंस है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इस नोट्स को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि सर्दी के दिन में जिंक का रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ब्रेन फॉग, D3 की कमी से, B12 की कमी से और जिंक की कमी से प्रॉब्लम आएगी, और ठंडी के दिन में सिलीनियम की कमी से फीमेल्स को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सिलेनियम सिर्फ औरतों को जरूरत पड़ती है, तो अगर सिलेनियम के बारे में भी जानना है तो मुझे नीचे जरूर बताइएगा। आपके अपडेट्स पे, आपके डिमांड्स पर चीज़ें करती हूँ, ठीक है। मैं तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आगे का वीडियो आप देखेंगे तभी सब्सक्राइब कीजिए, और ओल्ड व्यूअर नोट्स बनाओ, फॉलो करो, आसपास के लोगों की मदद करो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कोई सप्लीमेंट की डिटेल बताते हुए या अपने प्रोडक्ट की बात करते हुए, कुछ ना कुछ तो नॉलेजेबल लेकर ही आऊँगी। तब तक लिए बाय। एंड में इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरे कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, तो जो कुछ भी मैंने बताया है ये तीन चीज़, इम्यून बूस्टर और मैजिकल टी और वन ड्रॉप मैजिक, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा फेस टॉनिक और फेस पैक का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी, और हेयर टॉनिक और हेयर पैक का भी लिंक दे दूंगी। लेकिन सबकी वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसके डोज को ज़रूर देखिए, और ये सारे अमेजोन के लिंक जो है मैं नीचे दे रही हूँ। उसके अलावा मैं वेबसाइट का भी लिंक आपको दे दूंगी, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बो है, वो आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि अमेजोन पे जो प्रोडक्ट होती है इंडिविजुअल होती है, जब वेबसाइट पे आती है तो इंडिविजुअल में हम कम नहीं कर सकते, लेकिन कॉम्बो में हम आपको कम करके दे सकते हैं, तो कुछ डिस्काउंट रेट पर प्रोडक्ट आ जाती है और काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है कि अगर दो चीज़ ले रहे हैं तो 400, 500 या 800 का छूट कई कॉम्बो पर है, तो वो ज़रूर जाकर वेबसाइट पर देखें, और आपको अगर लगता है कि उधर का पैकेज आपको सही लग रहा है तो बिल्कुल लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जितने भी लिंक हैं आपको नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में मिलेंगे, जो फर्स्ट कमेंट होता है, जो पिन होती है, उसमें मिल जाएगी बाइंग लिंक, सारी मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल उसका फायदा उठाएं अगर आप लेना चाहते हैं। तो फिर मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।